अरे तुमने बर्तन धो दिए? मैं तो किचन से मेटने आई थी। अम्मी हो गया, सब धुल गए हैं बर्तन। नेहा बेटा, मुझे पता है अक्सर मैं बहुत सख्ती से बात करती हूँ और गलत करती हूँ, मुझे माफ कर दिया करो। नहीं अम्मी, कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभार। अब मुझे एहसास हुआ है कि मेरी दोनों बच्चियां ना तुम्हें बड़ी बहन समझती हैं। अच्छा है उनको कोई गाइड करने वाला है, समझाने वाला है। अच्छा सुमर का तो मसला चल ही रहा है, पता नहीं कब हल होगा, लेकिन उनबर की तरफ से मैं बहुत परेशान हूं आजकल। अम्मी अल्लाह पर छोड़ दें, वो जरूर कोई ना कोई रास्ते निकालेगा। हाँ मैं ये सोची थी अंबर तुमसे बात करती है ना, उसको जरा अच्छी तरह से गाइड किया करो, अच्छे बुरे का समझाओ, तुम्हारी बात मानती है। अच्छा जी अम्मी, मैं समझाती रहती हूँ। लगता है आसिम आ गया है, तुम जाओ, वो जूस रखा है मैंने फ्रिज में, लेके चले जाओ उसके लिए। जी मैं अभी जूस दे के आती हूँ आसिम को, और उसके बाद मैं कोई खाना क्या बनाना मुझे बता दे। नहीं मैं नहीं आज रात का खाना मैं अपने हाथों से बनाऊंगी तुम सब बच्चों के लिए। मेरी बेटी की बर्बादी पे देखे बना रही थी तुम आज। मैं तो चुप कर जाओ, झूठ मत बोलो। सबको बेवकूफ बना सकती हो लेकिन मुझे तुम बेवकूफ नहीं बना सकती, मैं तुम्हें पहचानती हूं। नहीं अम्मी, अम्मी मैंने आलियान से कोई बात नहीं की, वो तो मेरी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। अम्मी अम्मी आप सुंबुल से पूछ लें, उसने मुझे खुद फोन करके बताया था कि आलियान उसके साथ अच्छे हो गए हैं और उसका बहुत ख्याल रखते हैं। अच्छा ख्याल रखता है उसका? ख्याल रख रहा था, ये ख्याल रखा है, छोड़ गया है मेरी बच्ची को घर। मुझे जब यकीन हो जाएगा ना कि तुम हो इसके पीछे, तो मैं तुम्हें कभी बख्शूंगी नहीं। अचानक से ये रवैया,